धौराड़ा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद भदौरिया की जीत के बाद उनके समर्थक बेकाबू हो गए। पुलिस और सपा समर्थकों के बीच झड़प हो गई। भीड़ ने रोड़े, बॉटल और डंडे चले। नवीन मंडी स्थल का यह मामला है जहां पर सपा प्रत्याशी के समर्थक अचानक से बेकाबू हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं धौराड़ा की, जहां पर SP प्रत्याशी की जीत के बाद उनके समर्थक बेकाबू हो गए। उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। धौराड़ा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद भदौरिया की जीत हुई, जिसके बाद उनके समर्थक जश्न मनाने के दौरान ही बेकाबू हुए, उग्र हुए। पुलिस और समर्थकों के बीच काफ़ी देर तक झड़प देखने को मिली। सहारनपुर से कांग्रेस से इमरान मसूद के जीतने के बाद समर्थकों के हुड़दंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इमरान मसूद के जीतने के बाद समर्थकों ने कुतुबशेर थाने के पास बाइक से हुड़दंग मचाया। ये वीडियो कल रात का बताया जा रहा है। इमरान मसूद के समर्थकों के हुड़दंग करने वाला जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इस वीडियो पर न्यूज 18 इंडिया ने इमरान मसूद से बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने आप भी देखिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहारनपुर से सांसद चुने गए इमरान मसूद साहब। सर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे? न सिर्फ आपकी जीत बल्कि यूपी में जिस तरह से इंडिया ब्लॉक ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। देखिए, ये शुरुआत हुई है। एक जो माहौल पूरे देश के अंदर बना हुआ था और लोग अपने आप को अजेय समझ रहे थे कि वो कभी पराजित नहीं हो सकते, उन लोगों के लिए सबक है। देश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, देश की महिलाओं को, व्यापारियों को जो दंश उत्पीड़न का झेलना पड़ा, ये सब अब जो आने वाला वक्त है इन सब चीज़ों को दूर करने का काम करेगा। सर, आपने कहा राम जी की तरह आपका भी वनवास पूरा हुआ है, इसके क्या मायने और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? नहीं, 2012 में मैं चुनाव आ रहा था, 2024 में मेरा रिवाइवल हुआ है, तो 14 साल का मेरा वनवास खत्म हुआ है। राम जी की कृपा हुई है तो वनवास खत्म हो गया। सर, अब आगे का क्या रास्ता है? क्योंकि ये भी कोशिशें की जा रही थी, जैसे रिजल्ट आए, कि इंडिया गठबंधन भी कोशिश करेगा सरकार बनाने की। हालांकि अब ये क्या है फैसला ले लेगा, विपक्ष में बैठेंगे। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री पद जो है वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से? देखिए, इतना बड़ा मैं नेता नहीं हूँ कि मैं इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करूँ, पार्टी का निर्णय, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। सर, एक और सवाल, अभी एक ताज़ा मामला सामने आया, वीडियो सहारनपुर की सामने आई, उसमें FIR हो गई है 50 लोगों के खिलाफ और 6 नामजद हुए हैं, और कहा जा रहा है कि आपकी जीत के बाद वहां पर लोग हुड़दंग कर रहे थे, ये कहा है? आपसे ही मैं सुन रहा हूं, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं तो पुलिस स्कॉट के अंदर, पुलिस मुझे घर छोड़ गई थी, मैं तो 2 दिन घर से निकल ही नहीं सका। मेरे घर के साथ बाहर इतनी भीड़ थी लोगों का, मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पाया, तो मैं तो कल कब्रिस्तान फातिया पढ़ने गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी आपको जानकारी नहीं है? मुझे अभी से पता चल रहा है। अच्छा। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो वहाँ से आ गया तब उसके अंदर। अब लोगों को 20 साल के बाद खुशी मिली है और घर पर आ रहे हैं। बौखलाहट के अंदर अगर आप बिलावजह की FIR कराने, कोई मुझे 2 दिन में सहारनपुर में रहा, मुझे कोई शिकायत नहीं मिली, अभी आपसे पता चल रहा है, मुझे जानकारी नहीं है। तो मतलब जश्न एक तरह से वो हो रहा था। हाँ। अच्छा सर, एक और सवाल, अपनी जीत का श्रेय किसे देंगे? क्योंकि हमने देखा कि आप जब कैंपेन कर रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा, वहाँ पे आपके लिए रोड शो किया। देखिए, मेरी जीत का श्रेय या मेरे रिवाइवल का पूरा श्रेय मेरी नेता प्रियंका गांधी को है। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझ पर विश्वास कर करके मुझे चुनाव मैदान में उतारा और उसके बाद मेरे लिए आई। लेकिन पूरे देश के अंदर जो माहौल बना है वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद बना है, और निश्चित रूप से मेरे लिए दोनों बहन भाइयों ने मुझे जिताने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद, जो कि सांसद बने हैं और न्यूज 18 इंडिया से बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। रेलवे आज इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग डे मना रहा है। इस मौके पर संगम नगरी प्रयागराज में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के हेडक्वार्टर से एक मोबाइल अवेयरनेस वैन को रवाना किया गया। इस वैन में लगी स्क्रीन पर कार्टून कैरेक्टर्स के जरिए वीडियो तैयार किए गए हैं। वीडियो फिल्म दिखाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग के नियमों का पालन नहीं करने पर किस तरह से जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। ये मोबाइल वैन 1.5 महीने तक जोन के अलग अलग हिस्सों में जाएगी। इस अवेयरनेस वैन का फोकस रेलवे क्रॉसिंग के आसपास के स्कूलों, गांवों और रिहायशी बस्तियों में होगा। उनको जो रेलवे का लेवल क्रॉसिंग है या जो रेलवे का फाटक है, उसकी इम्पोर्टेंस जो सेफ्टी के बारे में है उसके बारे में बताया जाए। उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने जो ये वैन फ्लैग ऑफ की है,
ये वैन हमारी जो है 45 दिन तक पूरे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में जाएगी और जहाँ जहाँ भी हमारे लेवल क्रॉसिंग गेट्स हैं, जहाँ भी हमारे संपर्क फाटक हैं, वहाँ पे जितने भी आसपास के स्कूल्स हैं, आसपास के गांव हैं, आसपास के जो रेजिडेंट्स हैं और जितनी भी पंचायतें हैं, उनको इसके बारे में जागरूकता दी जाएगी। बागपत में रिश्तों के कत्ल की खूनी वारदात सामने आई है। आरोपी की 14 साल के नाबालिग भाई ने अपनी 8 साल की छोटी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी नाबालिग भाई को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि 8 साल की बहन अपने भाई की गलतियों की शिकायत घर पर मम्मी पापा से किया करती थी, जिस पर आरोपी को मम्मी पापा डांट फटकार लगाते थे। उसी का बदला लेने के लिए आरोपी भाई बहन को अपने साथ ले गया और गले में पड़े दुपट्टे से ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। कल हमारी टीम लगी रही और जो वहाँ कैमरे लगे हैं कस्टम, उसको हम लोगों ने काफ़ी खंगाला। जानकारी कि एक लड़का उसमें बार बार गली में आ जा रहा है और लड़की का भाई ही था, लगभग 14 साल उसकी एज थी। आज उसे बुलाया गया था, उससे बातचीत ने घटना करना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि चूंकि ये लड़की, हम दोनों घर में रहते हैं और मेरे फादर मदर अलग हैं, लड़की बच्ची के अलग हैं और हम दोनों अडॉप्टेड सन और डॉटर हैं इनके, हमारे स्थानीय होमगार्ड के। ये लड़की हमारी मम्मी शिकायत बहुत करती थी और मम्मी मुझे पीटती भी थी। 4 तारीख को भी उसने कंप्लेंट की हमारी अपनी पिटाई के लिए अपनी माँ से। मुजफ्फरनगर में 2 लाख का इनामी मुठभेड़ में ढेर हो गया। यूपी और बिहार एसटीएफ से मुठभेड़ हुई थी। नोएडा एसटीएफ मुजफ्फरनगर पुलिस ने शातिर को ढेर कर दिया। रतनपुरी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, मारा गया बदमाश बिहार का रहने वाला था। नाकाबंदी में जो बदमाश जिनकी पहचान है, उन्होंने पुलिस पार्टीज पर फायरिंग की। पुलिस पार्टी ने रिटेलिएटरी कंट्रोल्ड फायरिंग में नीलेश राय घायल हो गया, जो तत्काल अस्पताल ले गया, परंतु पुलिस फायरिंग से घायल अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। बिहार एसटीएफ द्वारा ये बात बताई गई है कि फरवरी 2024 में भी बिहार एसटीएफ और बिहार पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी की गई थी, जिसमें नीलेश राय ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और एक प्राइवेट आदमी को उसमें गोली लग गई थी।